वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज एमपी में और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश फिर बना है नंबर वन। जी हां, एक बार फिर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में डंका बजा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले ही मध्य प्रदेश का बुरहानपुर अब ऐसा जिला बन गया है जहां हर घर नल जल योजना प्रमाणित रूप से 100% पूरी हो चुकी है, यानी इस जिले के हर परिवार को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। यह दावा जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर बुरहानपुर के लोगों को बधाई दी है। वही अब एक बार फिर मध्य प्रदेश ने अपना जलवा बिखेर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 के विजेताओं का ऐलान हो गया है। इस साल के लिस्ट में भारत के कई फिल्मों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें खास बात यह है कि इस लिस्ट में मध्य प्रदेश को भी विशेष स्थान मिला है। 28वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मध्य प्रदेश ने फिल्मों के लिए सबसे अनुकूल राज्य का अवार्ड जीता है। इस मौके पर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर नागरिकों एवं फिल्म उद्योग से जुड़े सभी साथियों को बधाई दी है। फिल्मों के लिए सबसे अनुकूल राज्य के तौर पर मध्य प्रदेश को अवार्ड मिलने पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर नागरिकों एवं फिल्म उद्योग से जुड़े सभी साथियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि आज 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड का सम्मान प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार के लिए टीम एमपी नागरिक एवं फिल्म उद्योग से जुड़े सभी साथियों को बधाई और प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के सौंदर्य से समृद्ध प्रदेश सदैव आपके स्वागत के लिए आतुर है। बता दें कि अभी हाल ही में वेब सीरीज पंचायत 2 की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई थी। पंचायत सीरीज के अलावा बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स और फिल्मों की शूटिंग एमपी में हुई है। फिल्म राजनीति, पान सिंह तोमर, मोहनजोदाड़ो, रिवॉल्वर रानी, दबंग 3, प्यार किया तो डरना क्या, अशोक बाजीराव मस्तानी, गंगा जल 2, तेवर की शूटिंग मध्य प्रदेश में ही हुई है। शूटिंग के लिए फिल्म निर्देशकों की पहली पसंद मध्य प्रदेश के भोपाल, चंबल के इलाके जबलपुर, ग्वालियर, महेश्वर, मांडू, इंदौर, पंचगढ़ी रहे हैं। फिल्मों की शूटिंग के लिए निर्देशक प्रकाश झा की पसंदीदा जगह भोपाल है। बता दें कि उनकी राजनीतिक फिल्म की शूटिंग भी मध्य प्रदेश की राजधानी में हुई है। फिल्म में मनोज बाजपेयी, नाना पाटेकर, अजय देवगन, रणवीर कपूर, कैटरीना कैफ और अर्जुन रामपाल ने अभिनय किया था। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मध्य प्रदेश की तमाम ताजा खबर जानने के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज़।